Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 3, I hope you all are fine, alhamdulillah. Students, today we will start from page number 80. So kindly open page number 80 in your science book. When an object starts or stops moving, forces are used. कोई भी object या तो चलना शुरू करे या फिर रुक जाए तो उसमें force की ज़रूरत पड़ती है. किसकी ज़रूरत पड़ती है? Force की ज़रूरत. When an object starts or stop moving, forces are used. Forces की ज़रूरत पड़ती है. As you can see in this picture, why is it useful to make an object stop? Forces make things go faster and slow down or stop. Students, look at the next picture. As you can see in this picture, girl is using car. Forces make the car change speed and stop. फोर्सेस की वजह से ही कार की स्पीड कम भी हो जाएगी, कार रुक भी जाएगी और कार चलना भी स्टार्ट कर देगी. ओनली बिकॉज ऑफ फोर्सेस. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन. व्हाट इज फ्रिक्शन स्टूडेंट्स? ड्रैगिंग फीलिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन. ड्रैगिंग फीलिंग को हम फ्रिक्शन बोलते हैं. फ्रिक्शन ऑलवेज हैपन व्हेन टू सरफेस रब टुगेदर. फ्रिक्शन तब बनता है जब दो चीज़ें आपस में टकरा के रब होती हैं. ठीक है, जैसे हम हाथों को रब करें तो क्या बन जाएगा? एक फ्रिक्शन स्टाइल हो जाएगा. नाउ लुक एट अगेन फोटो ऑफ आइस स्केटर्स. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एंड द व्हीकल्स ऑन अ रफ सरफेस ऑन पेज नंबर 82. कम ऑन पेज नंबर 82, वहाँ पे भी एक पिक्चर है. दिस पिक्चर. विच सरफेस डू यू थिंक हैज़ द मोस्ट फ्रिक्शन? आपको क्या लगता है कौन से सरफेस पे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा? आइस स्केटर्स पे या फिर इस रफ साइड व्हीकल पे? व्हेन टू सरफेस रब टुगेदर फ्रिक्शन गिव अस ग्रिप. जब दो सरफेस आपस में मिलते हैं तो फ्रिक्शन एक ग्रिप देता है. सम शूज़ हैव अ गुड ग्रिप टू स्टॉप अस फॉलिंग ऑन स्लिपरी ग्राउंड. कुछ शूज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं जो ग्रिप नहीं करने देते हैं, रोक देते हैं इंसान को गिरने से किसी भी स्लिपरी ग्राउंड पे. होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस फ्रिक्शन. टुमारो आई विल आस्क सम क्वेश्चंस टू यू ऑल. जज़ाकअल्लाह.